हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन फाइव। क्वेश्चन फाइव के अंदर देखिए, ये इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन रे और इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो बच्चों, इसके अंदर अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो आप ये मान के चलना कि आपका 20% तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट आप कर सकते हो, यानी कि आपका 20% आपका क्वेश्चन हो चुका है। तो आपने स्टेटमेंट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ के करना है। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हो। तो इसके अंदर देखिए ये क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं जैसे देखिए इसके अंदर फिगर के अंदर क्या कहते हैं, पी ओ क्यू इज ए लाइन। ये पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन दे रखी है और इस पे परपेंडिकुलर लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ये क्या दे रखी है हमारे पास, ये ओ आर लाइन दे रखी है। ये लाइन क्या है, ओ आर, ओ आर यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन है और ओ एस अनदर रे है यहाँ पे हमारी। ओ एस क्या दे रखी है, अनदर रे है जो बिटवीन किसको, ओ पी और ओ आर को लाइज करती हैं। तो हमने इसके अंदर प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो बच्चों ये आपने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके अंदर, तो हम इसमें गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास क्या दे रखा है इसके अंदर, हम ये लिखेंगे गिवन पी ओ क्यू इज ए लाइन। पी ओ क्यू इज क्या है, एक लाइन है और ओ आर परपेंडिकुलर किस पे है, पी क्यू लाइन पे। ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू और ओ एस इज ए रे, ओ एस इज ए रे लाइन बिटवीन रेस ओ पी एंड ओ आर। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ जाएगा, गिवन आ जाएगा। अब हमने प्रूव क्या करना है इसके अंदर, हम प्रूव करेंगे प्रूव दैट, तो प्रूव दैट हमारा क्या होगा कि एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमने इसके अंदर प्रूव करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन देखिए इसके अंदर आप फिगर के अंदर देखिए, यहाँ पे पी ओ आर और क्यू ओ आर ये क्या है हमारे, ओ आर यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, ये हमारे पास गिवन है। तो गिवन है तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर, ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के, क्योंकि बच्चों ये दोनों हमारे क्या है, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। हाँ तो बच्चों देखो, अभी ये पी ओ आर, पी ओ आर हमारा किसके इक्वल होगा, पी ओ आर इक्वल हमारा किसके हो जाएगा, पी ओ एस प्लस में आर ओ एस। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे, ये लिखा हमने एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस, इसको हम वन नंबर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा वन पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये क्यू ओ आर, क्यू ओ आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से ये देखिए बच्चों, यहाँ क्यू ओ एस में से अगर हम आर ओ एस माइनस कर दें, देखिए यहाँ पे अगर हम क्यू
ओ एस में से आर ओ एस माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्यों ओ आर के इक्वल हो जाएगा ये। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से देखो ये क्या आ जाएगा, वन और टू से ये हमारे पास गिवन था एंगल पी ओ आर किसकी इक्वल था, क्यू ओ आर की, ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से एल एच एस साइड इक्वल है तो आर एच एस साइड इक्वल हो जाएगी हमारी, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा एंगल पी ओ एस प्लस में एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये किसके आ जाएगा हमारा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, ये हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, आर ओ एस एंगल आर ओ एस को इस साइड में ले आते हैं और इसको राइट साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एंगल आर ओ एस, ये इस साइड में आके प्लस का हो जाएगा एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा एंगल टू आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यहाँ से हम क्या करेंगे, टू को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ से हमारा ये आ जाएगा एंगल आर ओ एस इक्वल टू ये हाफ हो जाएगा इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही हमने प्रूव करना था, तो इट इज़ प्रूव।